हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइग्नू सॉल्यूशन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MSWC, मतलब सेकंड ईयर MSW की, उसके असाइनमेंट जो कि हमारा 013 के ऊपर है। उसका टॉपिक का नेम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ काउंसलिंग। ओके गाइस, सो आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले जो इतने भी असाइनमेंट हमने कवर कर रखे हैं, वो उनका लिंक दे रखा है हमने आपको, उनके PDF भी दे रखे हैं। सो आई होप कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये भी जो हम आगे करने वाले असाइनमेंट हैं, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी PDF है, जो भी आपका असाइनमेंट है, वो किस तरह से हमने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है। MSW 013, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बेसिस ऑफ काउंसलिंग असाइनमेंट, राइट। ये है हमारा सॉल्व असाइनमेंट है पूरा। जो भी आपका मटेरियल है, वो सब हमने इसमें आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। सो गाइस, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट बता रखा है कि बच्चे, मतलब एक हिंट दे रखे कि बच्चों को क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे बता रखा है कि इसमें 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है उसको आपको 600 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है आपको कि इन दोनों में से आप जो मर्जी, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें जो फर्स्ट वाला है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइंट सेंटर थेरेपी, इसके बारे में हमने आपको यहाँ पे लिख रखा है। ये पूरा हमारा 600 वर्ड्स का आंसर है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एंड देन जैसे ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे भी हमारे ऑप्शन में है, जो आपकी मर्जी वो करिए, लेकिन हमने इसमें पहले वाला करा। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा सेक्शन 3 आ गया, मतलब क्वेश्चन 3 जो है, उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इसका जो आंसर होने वाले हैं, इसमें कितने करने हैं हमें, 2, कोई से भी 2 करने हैं। एंड कितने वर्ड्स में करने हैं, 300 वर्ड्स में करने हैं। तो हमने यहाँ पे कोई से भी 2 कर ली। ये आपके हिंट के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, मतलब ये 300 वर्ड्स में पूरे प्रॉपर आंसर है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 आ जाता है, ये कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 200 वर्ड्स में। और कितने करने हैं, यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सो गाइस, इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा 5th क्वेश्चन, वो है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। मतलब हमें कोई भी 5 टॉपिक के ऊपर 100 वर्ड्स के बारे में लिखना है। तो 100 वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा, वो क्या है, द अडल्ट ईगो स्टेट। मतलब आपको यहाँ पे अडल्ट ईगो स्टेट के बारे में लिख। सो गाइज, यहाँ पे हमारा फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है। देन थर्ड जो हमारा सी, लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी के बारे में लिखना है आपको, क्या होती है इसकी थ्योरी, इसके बारे में लिखना है। ऐसे करके जितने भी हमारे ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई 5 करने हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसको लाइक ज़रूर करिएगा। एंड इसका जो PDF है, इसका जो लिंक है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए, तो आप इसका लिंक जो है उस पर जाइए, एंड उसके साइड में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अदर भी आपके जो असाइनमेंट है, इसके बाद वाले, इसके पहले वाले भी, वो आप हमसे इसी नंबर पर ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।